अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं आपको इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। मैं स्मार्ट एक्सेलर और मैं इस वीडियो से आपको ये चीज़ रूबरू कराना चाहता हूँ कि सेल रेफरेंसेस में तीन प्रकार के होते हैं। खुसूसन एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और तीसरा होता है मिक्स सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो आपको पता है कि रिलेटिव सेल रेफरेंस को बोलते हैं रिलेटिव, जो हमारा कोई रिलेटिव यानी कोई चिच्चा, मामा, ताया, फूफा, खाला, उनको हम रिलेटिव कहते हैं। तो इनके अंदर ये है इंडिपेंडेंट सेल्स, तो ये आपके लिए याद रखने के लिए आसान होगा। तो उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सेल्स, वो बहुत इंडिपेंडेंट होता है, जिसके ऊपर कोई तनाव या कोई चीज़ नहीं होता। तो इसको चलता है डॉलर सिग्नेचर से। अगर आपको कोई सेल रेफरेंस आप देखेंगे, अगर आपको F4 दबाएंगे तो जब डॉलर सिग्नेचर आएगा, डॉलर, तो ये इस तरह चलता है कि डॉलर सिग्नेचर जहाँ भी होंगे ये आपको बताएंगे कि इस तरह के है। तो ये हो जाएगा इस तरह के, ये एंड में डॉलर होना चाहिए। तो अब इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो ये डॉलर की तरह ये फिक्स हो जाएगा, इसको हम कहीं भी इसको रेफरेंस जब देंगे तो वो उसी उसी कॉलम और उसी एरिया को फिक्स करेगा। ये हो गया आपका रो वाइज, और सॉरी कॉलम वाइज, और ये हो जाएगा रो वाइज। तो ये आपको वन है और ये है। तो इसी तरह अगर A2, अगर इसको हम लॉक कर सकते हैं A2, तो ये हो जाएगा A2। और वो तीसरा आता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मिक्स्ड होता है अगर आपको इस तरह का संकेत मिले जो बीच में डॉलर सिग्नेचर है, तो ये आपको करेगा रो के लिए। और इस तरह अगर ये डॉलर सिग्नेचर स्टार्टिंग में आ जाएगा तो आपको हो जाएगा कॉलम के लिए। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से आपको उसे वाकिफ कराऊंगा कि किस तरह से होता है सब। अगर मुझे अर्ज करो, मुझे इसमें 6,000, इसमें अगर मुझे 1,000 जर्ब करना है हर हर एक आइटम के लिए, तो अगर मैं इसको करूँ इक्वल टू, इसको मैं अगर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं करूँ इक्वल टू 6,400, तो मिला 1,000 इसमें मिलाना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ कर दूँ 6,000 तो इसमें आंसर आ जाएगा। लेकिन जब मैं इस खुशी में इसको मिलाना चाहता हूँ, तो आप देखिए इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही है, ये वहीं का वहीं फिक्स्ड है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे यहाँ चला गया है। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ रहा है और ये इधर नीचे आ रहा है। तो वो एक एक चीज़ आप देखेंगे वो नीचे नीचे आ रहा है। तो मुझे चाहिए इसको, मैं खुशी से इसी को पकड़ूँ, तो मुझे क्या करना होगा। शुरुआत में के तौर पे जब यहाँ HC में फॉर्मूला लिखूंगा, तो इसको प्लस करने के बाद B14, इसको प्लस करने के बाद जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ मैं F4 दबाऊंगा। F4 जब मैं F4 दबाऊंगा, आपको दिखता है डॉलर सिग्नेचर, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये दोनों डॉलर सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएंगे। इक्वल टू इसको प्लस और F4। अब देखिए इसमें दो डॉलर सीधे आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और जब मैं इसको, आप देखेंगे 8,200, 4,400, इसको थोड़ा तवज्जो दे दी, जब मैं इसको नीचे खींचूंगा तो इसके आंसर आउटपुट बहुत बदल जाएंगे। अब इसने क्या किया कि उसी चीज़ को तवज्जो पे पकड़ लिया। अभी देख, अब डबल क्लिक करेंगे तो हमको पता चलेगा ये और ये साथ है, और देखो ये भी आपके साथ है, ये भी अभी यहीं फिक्स हो चुका है। अभी उसको कहीं मिलेगी जब वो उसी को पकड़ेगा, ये नीचे नहीं आएगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब हो रहा है मिक्स सेल रेफरेंस। तो मिक्स सेल रेफरेंस क्या है, उसमें होता है रो वाइज और कॉलम वाइज। आपको पहले दिखाऊंगा कॉलम वाइज, ये डॉलर सिग्नल जब साइड में आएगा इस साइड में, तो उस कॉलम को फिक्स करेगा। अब अगर आपको इसको इसके साथ में मिलाना है, तो आंसर है 10,650। उसी को मैं अगर नीचे खींचूँ तो आप देख सकते हैं हर एक अपना अपना के साथ चल रहा है, ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है। अगर अगर मैं उसी इसी चीज़ को दोबारा यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, तो आपको दिखता है इसका आंसर अलग हो चुका है।
ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ ढूंढ रहा है अभी, जिस तरह ये और ये साथ मिलाए हुए थे, अभी ये यहाँ से यहाँ ढूंढ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एक, आप देख सकते हैं इसको वो किस तरह से चल रहा है। देखो इसको अगर मैं फिक्स करूं तो ये मुमकिन नहीं होगा, अगर मैं दोनों को भी फिक्स कर दूंगा। और अगर अब मैं नीचे खींचूं तो देखो आंसर एक ही आ रहा है इसमें, तो एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस में काम नहीं करेगा। तो इसको क्या काम करेगा, इसको हम मिक्स सेल्फ रेफरेंस काम कर सकता है। कोई चीज़ इसमें वाकिफ है नहीं इसमें, तो आपको क्या करना है कि दोबारा से बताता हूँ भाई, इसको मिक्स सेल्फ रेफरेंस के तौर पे फर्स्ट एरिया को ये करो, एक दो और तीन, जब डॉलर सिग्नेचर यहाँ आए फिर इसको प्लस करो, उसके बाद में इसको चूज करो, और यहाँ पे एक दो जी, एक दो तीन, तो यहाँ पे आप चेक करते हैं एक दो तीन। तो अभी इसमें तो ज़्यादा खैर बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको यहाँ खींचते हैं, और अब जब यहाँ खींचते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से बदलाव आ चुका है। तो सेल रेफरेंस को यहाँ से इस तरह लेगा। उसी तरीके से आपको ये है रो वाइज, और बीच में जब आएगा तो उसको बोलते हैं, उसको रो वाइज कहते हैं, जब जब मैं बताया उसको वो कॉलम वाइज है। तो रो वाइज भी इसी तरह इसी प्रकार का है। अगर आपको कुछ यहाँ पे करना है तो पोजिशन आपको वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। बहरहाल आपको उसको मैं किस तरह से यूज़ करना है दिखाऊंगा, ये तो फॉर्मूलाज में ज़्यादा काम आएगा। तो अगर हमने इसको मिलाकर यहाँ करना है, तो जब मैं खींचूंगा ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा, अगर मैं ना भी खींचूँ तब भी। तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे ले लिया, और इसने यहाँ इसको यहाँ पे ले लिया। बहरहाल अगर इसको मैं यहाँ पे मिडिल में भी डाल दूँ तो भी वही संकेत मिलेंगे हमें, लेकिन ये फॉर्मूलाज में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं जब हम एक्सेल फॉर्मूलाज लगाते हैं। तो जब ये दो बार जाएंगे तो ये बीच में आ जाएगा। तो एक बार जब खींच लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दूसरे चीज़ को भी खींच लेगा उसी तरह प्रकार से। तो ये देखिए बीच में आ गया इसके। तो इस तरह होता है सेल रेफरेंसेस, काफ़ी आसान है और काफ़ी पेचीदा भी लगता है, कभी याद रखना मुश्किल होता है। तो मैंने इस तरह बनाया कि रिलेटिव जहाँ कुछ भी नहीं हो, एब्सोल्यूट जहाँ कोई सब कुछ फिक्स्ड हो, और मिक्स्ड होता है कोई रो के लिए या कोई कॉलम के लिए। तो F4 दबाना इसका मेन मकसद है F4 से। तो कोशिश कीजिए, थोड़े बहुत प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के बाद आपको इसमें माहिरती हासिल होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बहरहाल इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी वीडियोस हैं अंग्रेजी में, पावर पिवट में, पावर क्वेरी के से ताल्लुक़ रखते हुए और एक्सेल फार्मूला से ताल्लुक़ रखते हुए। आपको अगर कोई चीज़ कोई वीडियो अगर इंग्लिश में है, आपको उसको उर्दू में चाहिए या हिंदी में चाहिए, तो मैं ज़रूर उसको अपनी भाषा के मुताबिक उसको चेंज करके मैं दोबारा बनाऊंगा, और ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, और बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए एक्सेल और सिखाते रहिए लोगों को। तो बहुत बहुत शुक्रिया।